इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में अब पार्टी आमजन और बुद्धिजीवी लोगों के भी सुझाव को जोड़कर घोषणा पत्र तैयार करने की रणनीति बना रही है। इसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई, जहां भाजपा द्वारा 2 पेटी इंदौर शहर में लगाई जाएगी। एक राजबाड़ा चौराहे पर और दूसरी पेटी बीजेपी पार्टी कार्यालय के नीचे होगी। इसमें आम व्यक्ति अपने सुझाव बनाकर पेटी में डाल सकते हैं कि उनकी सरकार कैसी हो और सरकार का कार्य कैसा हो और क्या घोषणा पत्र हो। इन सुझावों पर पार्टी संगठन विचार विमर्श करेगा, आमजन के सुझावों को घोषणा पत्र में सम्मिलित करेगा। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार अब घोषणा पत्र आमजन के सुझाव पर तैयार करने की रणनीति बना रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी। वहीं इंदौर में आज इसकी शुरुआत हुई। इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने एक प्रेस वार्ता लेते हुए बताया कि 2 पेटियां शहर में लगाई जाएगी और सभी के सुझाव मांगे जाएंगे। वहीं पार्टी के नेता अलग अलग बुद्धिजीवी, डॉक्टर और कारोबारी के साथ बैठकर भी उनके सुझावों को एकत्रित कर संगठन को भेजेंगे। वार्ता मुख्य रूप से 2023 के हमारे चुनावी घोषणा पत्र, उसमें आने वाला सुझाव, उसमें लोगों की सहभागिता, समाज की सहभागिता और उसको समग्र रूप में कहें तो सभी को साथ लेके जो हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को चरितार्थ करने वाला एक घोषणा पत्र ऐसा समग्र रूप से तैयार हो जाए। उस घोषणा पत्र को लेके आज ये पत्रकार वार्ता है। हम लोग शहर में प्रमुख 2 स्थानों पे, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे और एक राजवाड़ा पे, 2 पेटियां लगाने जा रहे हैं, जिसमें लोग अपने अपने सुझाव, अपनी अपनी बातें, कैसी उनकी सरकार हो और वो सरकार से क्या चाहते हैं वो भी उसमें समावेश हो सके, उनके सुझाव भी समावेश हो सके, उनकी बातें भी उसमें आ सके। इसको लेके हम लोग एक अपनी जो भी उनका सुझाव है वो सुझाव पेटी लगाने जा रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे और एक राजवाड़ा पे। साथ ही साथ 1 सितंबर को शाम को 5 बजे हम शहर के लगभग 200-250-300 प्रबुद्ध जनों को, वो अलग अलग स्ट्रीम्स के, अलग अलग श्रेणी के हमारे सभी, हमारे सारे ऐसे लोग जो जिनका एक अपना शहर में, प्रदेश में, उस शहर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए अपना एक विमर्श होता है और जो एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं, ऐसे सभी लोग, चाहे वो हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, चाहे वो हमारे डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों, हमारे पर्यावरण पे काम करने वाले हों, इकोनॉमिस्ट हों और अन्य किसी उसमें स्पोर्ट्स में काम करने वाले हों, कुल मिला के ऐसे सभी लोग जिनका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जिनके सुझाव से ये घोषणा पत्र तैयार होगा, उन सभी को भी एकत्रित करके 1 तारीख को हम लोग एक उनके साथ में वार्ता करने जा रहे हैं जाल सभागृह में शाम को 5।